जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज क्लास लेने वाली है इतिहास के तीन टॉपिक के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आपको सारी की सारी घटनाएं बताऊंगा और एक कहानी के रूप में दोस्तों आपको एक व्यू प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप एक एक बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं। देखिए आज जो हम तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, भारत में रेलवे का विकास किस प्रकार हुआ, दूसरा भारत में अकाल किस प्रकार पड़े, और धन निर्गमन का सिद्धांत। देखिए अगर मैं रेलवे की बात करता हूँ दोस्तों, रेलवे भारत के अंदर 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे चलाई गई थी। और दोस्तों उस टाइम लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का दोस्तों विकास हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ उससे पहले की, तो दोस्तों उससे पहले भी रेलवे की जो परिकल्पना है वो मद्रास के अंदर स्टार्ट की गई थी, लेकिन दोस्तों उस टाइम मद्रास के अंदर रेलवे शुरू नहीं हो पाई और उस रेलवे की गाड़ी को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था कि रेलवे को जो डिब्बे होते हैं उन्हें घोड़ों से खींचा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जो योजना सफल नहीं हुई और अंत में जाकर मुंबई के अंदर 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी में रेलवे चलाई गई। देखिए तीन प्रेसिडेंसियाँ हैं, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। अगर बात करी जाती है तो सबसे पहले मद्रास के अंदर स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो मुहिम है, वो उठाई गई थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। दूसरी प्रेसिडेंसी बम्बई, बम्बई के अंदर रेलवे चली है। तीसरी प्रेसिडेंसी दोस्तों कलकत्ता, तो कलकत्ता के अंदर भी रेलवे बहुत जल्दी आने वाली है। अगर मैं ब्रिटिश की बात करूँ दोस्तों, तो ब्रिटिश ने रेलवे क्यों चलाई? देखिए ब्रिटिश बहुत चालाक थे। ब्रिटिश ने रेलवे अपने शासन को मजबूत करने के लिए भारतीय क्षेत्रों से सारा का सारा धन निकालने के लिए, यहाँ से कच्चा माल निकालने के लिए, यहाँ से अपना बिजनेस का सामान निकालने के लिए, जिस रॉ मटेरियल की इंग्लैंड में जरूरत थी, दूसरे देशों में जरूरत थी दोस्तों, उसे निकालने के लिए रेलवे की शुरुआत की गई। अब देखिए अगर मैं रेलवे की बात करूँ दोस्तों, तो शुरू में रेलवे बनती है और रेलवे बास्प इंजन से चलाई जाती है। अगर अंग्रेज शुरू में रेलवे से बिजनेस करते तो वो बहुत महंगा था, लेकिन जहाज के मुकाबले रेलवे बहुत महंगा है, जहाज से बिजनेस करना आसान है। तो अंग्रेजों ने क्या प्रक्रिया बनाई है, अंग्रेजों ने रेलवे को, देखिए अंग्रेजों ने रेलवे को बंदरगाहों से जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई। अंग्रेज बिजनेस करना नहीं चाहते हैं रेलवे से, क्योंकि रेलवे एक महंगा साधन है और वैसे भी बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर होगा, इंडिया के अंदर बिजनेस करने से कोई बेनिफिट नहीं है, उन्हें सामान इंडिया से बाहर निकालना है। इसलिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे को बंदरगाहों से जोड़ने की मुहिम चलाई। बंदरगाह का मतलब आप समझ सकते हैं, जिससे रेलवे में सामान रखकर, रेलवे रेल के अंदर सामान रखकर बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके और उसके बाद में उड़नछू हो जाए वो लोग। देखिए ये थी प्रक्रिया। अब अकाल की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो भारत में तीन भू राजस्व की व्यवस्थाएं लाई गई हैं, स्थाई बंदोबस्त, रेत वाली व्यवस्था, महाल वाली व्यवस्था। इससे पहले भी पंचशाला, दहशाला, कई सारी व्यवस्था थी और अंग्रेज यहां से दोस्तों कर लगान टैक्स वसूलते थे। भारतीय, अगर मानसून की बात करूं, भारतीय कृषि की बात करूं, तो भारतीय कृषि कंप्लीट रूप से मानसून पर डिपेंड थी और वैसे अंग्रेजों ने सिंचाई के साधन के रूप में कोई ज़्यादा योगदान नहीं दिया था। और थोड़ा बहुत योगदान दिया भी है तो अगर नहरों से पानी भरेंगे तो उसके लिए दोस्तों अलग से टैक्स देना पड़ता था, अलग से पैसा देना पड़ता था। तो जो किसान नहरों से अपनी खेती भरेगा वो मुनाफे में नहीं रहता था, वो और ज़्यादा परेशानी में रहता था, क्योंकि उसकी खेती तो सही हो रही है लेकिन उसे टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ रहा है। भारतीय किसानों की दोस्तों मैं बात करूं, तो भारतीय किसान इस कदर ऋण के जाल में फंस गया था कि वो अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए बार बार ऋण लेता था और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी संतानें की संतानें, एक बार अगर महाजन के, जमींदार के, या फिर किसी पूंजीपति के यहाँ से ऋण ले लेती तो
कई पीढ़ियां उसकी उस ऋण को चुकाने में उसके यहाँ मजदूरी के रूप में दोस्तों लग जाती थी। ये थी हमारे देश की कंडीशन, और इसके लिए दोस्तों अंग्रेज जिम्मेदार थे। अंग्रेजों ने सिर्फ यहाँ से पैसा निकालने की सोची, उन्होंने कोई राहत कार्य पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे अकाल आए। ये अकाल देखिए, अकाल आने के और भी कई कारण हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति है, इंग्लैंड को कच्चे माल की जरूरत है, उधर अमेरिका के अंदर गृह युद्ध है, अमेरिका से दोस्तों इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त नहीं हो रहा है, भारत पर अंग्रेज पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाते हैं, और यहाँ के लोगों को जबरिया नील की खेती, जूट की खेती, कपास की खेती और ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जो नकदी फसलें हों, जिनसे एकदम पैसा कमाया जा सके। अब किसान देखिए, अंग्रेजों ने नकदी फसलों का रेट बढ़ा दिया, अब किसान नकदी फसलें पैदा करेगा, वो अनाज को भूल गया, इसलिए भी दोस्तों अकाल आया, और जो लगान था वो पैसों के रूप में लिया जाने लगा। इसलिए किसानों ने नकदी फसलों को ज़्यादा प्रमुखता दी, अनाज सिर्फ इतना उगाते थे जिससे उनका काम चल जाए। अब अनाज के भंडारण की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए दोस्तों हमारे देश में अकाल अनेकों आए। 1940 से 43 के बीच में दोस्तों बंगाल के अंदर अकाल आया था, और उस टाइम 30 लाख लोग बंगाल के अंदर दोस्तों अकाल से मर जाते हैं। देखिए किस कदर दोस्तों हिंदुस्तान का शोषण हुआ है, किस कदर अंग्रेजों ने लूटा है, तभी तो हमारे क्रांतिकारी आज आप जानते हैं 23 मार्च शहीद दिवस, तभी तो हमारे क्रांतिकारी दोस्तों हंस हंस कर फांसी चढ़ गए। उन्होंने हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाले भविष्य को इस दास्ता से मुक्त कराया। तो उन सभी बलिदानों को दोस्तों मेरा नमन है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना फांसी पर चढ़ गए, और उन सभी क्रांतिकारियों को जो 15 साल 16 साल 13 साल जो खेलने की उम्र थी, जो पढ़ने की उम्र थी, उस उम्र में उन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। और अंग्रेजों ने दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो लास्ट युद्ध हुआ था, लास्ट एक आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंदर भी लाखों लोगों को दोस्तों जेल के अंदर बंद किया था, हजारों बच्चे मारे गए थे, हजारों महिलाएं मारी गई थी, बुजुर्ग मारे गए थे। उस टाइम दोस्तों ये कंडीशन थी। अगर आप उसे थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपकी जो आत्मा है दोस्तों वो कांप जाएगी। देखिए आज की जो क्लास रहने वाली है बहुत ही शानदार रहने वाली है। सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। देखिए शुरू करते हैं क्लास। आज कई सारे टॉपिक करेंगे वन बाई वन, उनके प्रभाव और उनके कारण दोस्तों कारणों के बारे में जानेंगे। देखिए किसानों पर सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार पीपीटी देख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है पीपीटी में, थोड़ा सा सही। देखिए किसानों पर भारी बोझ क्यों हुआ, आखिर किसान किस तरीके से दबे बोझ के अंदर, लगान के अंदर, टैक्स के अंदर, और किसान टैक्स लेते हैं, टैक्स देते हैं और टैक्स की इतनी रेट देते हैं, और अपने टैक्स को चुकाने के लिए महाजन से, जमींदार से, धन्ना सेठ से ऋण लेते हैं, लेकिन वो ऋण जमीन में लगाने के लिए नहीं लेते हैं, वो जमीन की पैदावार को सुधारने के लिए नहीं लेते हैं, वो ऋण लेते हैं अपनी हालत सुधारने के लिए, अपने पुराने ऋण को सुधारने के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी दवाई गोली के लिए। तो जो ऋण जमीन के लिए लिया गया था वो ऋण वहां खर्च नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों जमीन की कोई हालत नहीं सुधरी, लेकिन किसान का मानसिक संतुलन बिगड़ा और किसान एक तरीके से उत्पीड़न का शिकार हुआ। देखिए किसानों पर भारी बोझ, कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रेत वाली भू व्यवस्थाएं लागू की गई। जमींदारी की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों जमींदार के अंदर अंग्रेज, देखिए अंग्रेज थे जिसे बोलते हैं सरकार, और अंग्रेज से नीचे जमींदार था, और जमींदार से दोस्तों नीचे था रैयत किसान। अब अगर मैं बात करता हूं अंग्रेज की, अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को लगाया, और जमींदार राजस्व वसूलते हैं किसान से, रैयत से।
अब यहां पर जमींदार, अंग्रेजों ने सोचा कि भाई जमींदार को थोड़ा बहुत फायदा होगा तो जमींदार भूमि की ओर ध्यान देगा, लेकिन जमींदारों ने भूमि की ओर ध्यान नहीं दिया, जमींदार ने सिर्फ लगान की ओर ध्यान दिया और जमींदारों ने अपने नीचे और बिचौलिए लगा दिए, उन लोगों ने और अपने नीचे बिचौलिए लगा दिए। अब समझिए जितने ज्यादा हाथ होंगे, जितने ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार में पिसने वाला था सिर्फ किसान रैयत, क्योंकि दोस्तों लगान जो देने वाला था वो किसान था, इसलिए सबसे ज्यादा किसानी का शोषण हुआ इस व्यवस्था के अंदर, और इसमें अंग्रेजों को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, इसमें जो जमींदार हैं वही पैसा डकार गए थे। 60 करोड़ रुपए में से मात्र अंग्रेजी शासनकाल में 4 करोड़ रुपए जमींदारी प्रथा से मिले थे। तो यहां पर जितने भी समझ सकते हैं आप बिचौलिए थे दोस्तों, उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार यहां पर किया था, लेकिन इसमें जो मारा गया वो बेचारा हमारा गरीब किसान मारा गया। देखिए कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रेतवाड़ी व्यवस्थाएं लागू की गई, जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई वहां जमींदार सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को देते थे। जो जमींदार है वो किसके बीच में, देखिए जमींदार सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बिचौलिया बनकर जो उगाई है जो लगान है उसे वसूलने के बाद में अंग्रेज ब्रिटिश शासन को देते थे। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या, अभी रेतवाड़ी व्यवस्था को समझ लेते हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है। देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था ने यहाँ जो जमींदार था वो हटा दिया गया है, डायरेक्ट ब्रिटिश रेत किसान से टैक्स लेंगे। देखिए ब्रिटिश जो ना डायरेक्ट अंग्रेज जो अंग्रेजी शासनकाल है वो डायरेक्ट रेत किसान से टैक्स लेंगे, और ये जो व्यवस्था दोस्तों दक्षिण भारत के अंदर होती है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर जमींदार नाम नहीं था, वहां पर जमींदार नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट किसान से टैक्स लेने का काम सरकार ने अंग्रेजी शासनकाल ने दोस्तों किया। ये रेतवाड़ी व्यवस्था थी और ये मद्रास वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था, राजस्व की नियमित वसूली हो सके इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई, परंतु जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि जमींदार व्यवस्था जमींदारी जो व्यवस्था है वो किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है। ये जो व्यवस्था है जो जमींदारी व्यवस्था थी उसने किसानों पर ज़्यादा बोझ डाला था, इसलिए दोस्तों ये रेतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, जमींदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर रोक लगाने के लिए अनेक कानून पास किए गए। जो जमींदार हैं, देखिए जमींदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर, जमींदार किसानों से अवैध मांग करते हैं, ठीक है, अनेक कानून बनाए गए। ये कानून जमींदारों द्वारा किसानों पर रोक लगाते थे, परंतु ये कानून अधिकांशतः निष्फल रहे। ये कानून जमींदारों द्वारा किसानों पर ज़्यादा टैक्स न लेने पर रोक लगाते थे, लेकिन ये जो कानून है ये भी दोस्तों खोखले साबित हुए, क्योंकि जो अंग्रेजी शासन है वो जमींदार से ताल्लुक रखता था, वो किसानों से कोई ज्यादा ताल्लुक दोस्तों नहीं रखता था। अगर किसान की प्रॉब्लम होगी तो उसे पहले जमींदार से, उसे जो उसके ऊपर है पहले उससे गुजरने के बाद में अंग्रेजों के पास जाएगा। अब जमींदार कहाँ जाने देगा गरीब किसान को, गरीब किसान तो वैसे ही दबा हुआ है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। तो जमींदारी प्रथा में स्थायी बंदोबस्त में सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ था वो दोस्तों रैयत किसान का हुआ था। रेतवाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करता हूं तो रेतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के राजस्व अधिकारी ही वास्तविक मालिक होते थे। जो राजस्व अधिकारी है रेतवाड़ी, देखिए रेतवाड़ी में क्या होता है, अभी रेतवाड़ी में ये सरकार है, ये सरकार है, यहां जमींदार नहीं है, यहां डायरेक्ट रेत है जिसे बोलते हैं हम किसान। अब देखिए डायरेक्ट जो सरकार है वो रेत किसान से टैक्स लेगी और यहां पर अपने अधिकार लगाएगी। देखिए लगान वसूल करने वाले अधिकारी लगाएगी, ठीक है भाई, ये अधिकारी लगाए जाएंगे जो कि लगान को वसूल करेंगे। यहां पर जमींदार वर्ग नहीं है जो किसान से लगान लेगा, यहां अधिकारी लगाए जाएंगे और जो किससे टैक्स लेगा भाई, रेत किसान से सीधे टैक्स लेगा। देखिए जो राजस्व सरकार के राजस्व अधिकारी हैं वे ही वास्तविक मालिक हैं। इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना ही राजस्व का पुनरीक्षण करते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में भी क्या होता है, अभी जो सरकारी अधिकारी हैं वो किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना वो किसानों की कंडीशन नहीं देखते हैं, भूमि को नहीं देखते हैं और वो लगान को वसूलने का काम दोस्तों करते हैं, राजस्व का निर्धारण करने का काम करते हैं कि इतनी दर से टैक्स वसूला जाएगा। जो अधिकारी अंग्रेजों ने लगाए थे वो किसान की कंडीशन को देखे बिना, भूमि की कंडीशन को देखे बिना, लगान आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना लगान का निर्धारण करते हैं। यह उत्पीड़क वसूलों का परिणाम यह हुआ कि किसानों ने विवश होकर महाजनों की शरण ले ली। महाजन का मतलब समझ सकते हैं आप, यहाँ पर किसान अपना लगान देने के लिए महाजन की श्रेणी में जाएगा, महाजन की शरण में जाएगा,
पूंजीपति की शरण में जाएगा, धन्ना सेठ की शरण में जाएगा और उनसे पैसा लेकर आएगा और उस पैसे को भूमि में न लगाकर ऋण चुकाएगा या फिर अपनी दवाई गोली में लगाएगा, अपने बेटे की शादी में लगाएगा, दैनिक कार्यों में लगाएगा, जमीन में कोई सुधार नहीं होगा। जैसे आप किसान सम्मान निधि, वो पैसा दोस्तों खेती के लिए आता है, किस्त आती है 2000 रुपये की, किसान उसका यूरिया खरीदता है, डाई खरीदता है, भूमि में लगाता है, भूमि का सुधार होता है। लेकिन उस टाइम दोस्तों ऐसा समझ लीजिए टैक्स जा रहा था हिंदुस्तान में, सरकार टैक्स ले रही थी जमीन बोने के ऊपर कि आपको इतना टैक्स देना है, जैसे आज इनकम टैक्स जाता है सैलरी के ऊपर, GST जाता है वस्तुओं के ऊपर, उस टाइम दोस्तों लगान था, अनेक प्रकार के कर जाते हैं आज भी, ठीक है। आगे देखिए भाई, जमींदारी और रेतवाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि को छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देना प्रारंभ कर दिया। अब ये जमींदारी या रेतवाड़ी दोनों व्यवस्थाओं में क्या होता है भाई, इनमें बड़े किसानों ने, जो बड़े किसान हैं उन्होंने अपनी भूमि को छोटे किसानों पर, देखिए उन्होंने अपनी भूमि को छोटे किसानों पर, छोटे किसानों को, जो छोटे किसान हैं उन्हें लगान या बटाई पर देना प्रारंभ कर दिया। इससे किसानों का जीवन और भी कष्टकर हो गया। इससे क्या होगा भाई, जो किसान है वो और ज़्यादा कष्टकर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कैसे कष्टकर हो जाएंगे, देखिए अगर बटाई पर कोई लेगा तो जो बटाई पर लेगा लेने वाले को देगा, लेने वाले को देगा, और अगर सेटलमेंट ढंग से नहीं बैठा तो टैक्स भी देगा, तो उसे दोस्तों इतना देना पड़ेगा कि उसे कुछ बचने वाला नहीं है। उसे खाने के लिए भी अगर दाने बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अकाल चलते रहते हैं, बारिश होती नहीं है, क्योंकि भारतीय जो भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ है, सब कुछ मानसून पर टिका हुआ है। और अगर अंग्रेजों ने थोड़ी बहुत नहरें बना भी दी है तो उसका अलग से पैसा देना पड़ता है जमीन भरने के लिए। समझिए कि भारतीय किसान कहीं से कहीं तक भी सुख में नहीं है। अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वे स्वयं कृषि उत्पादक नहीं करते थे। अंग्रेज देखिए जमींदारों को पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन जमींदार खेती नहीं करता है, वे स्वयं के खेती नहीं करते हैं, किसानों के श्रम पर आश्रित ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते हैं। और जो जमींदार हैं वो इतना आलसी हो गया है कि दूसरे लोगों को बिचौलिए के रूप में एंट्री कर देता है, दूसरे लोगों को जमीन सौंप देता है भाई आप टैक्स वसूल करने का काम कीजिए, और वो दूसरे को सौंप देता है। तो आप समझिए टैक्स जितने हाथों में जाएगा उतना ज़्यादा परेशानी होगी। तो किसानों का शोषण इस कदर हुआ दोस्तों, इस कदर हुआ, आप नाटक देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद का गोदान देख सकते हैं, उसमें किसानों का किस तरीके से उत्पीड़न दिया हुआ है, बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है वो। किसान ऐसा समझ लीजिए क्या हालत हो जाती है उसकी, अगर एक बार भी उसे खाने के लिए अच्छी तरीके से भोजन मिल जाता है तो वो भगवान का शुक्रगुजार होता है। ये कंडीशन दोस्तों अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कर दी थी। और ये जो जमींदार वर्ग है, ये जो धन्ना सेठ वर्ग है, ये 1857 की क्रांति में भारतीय लोगों का साथ नहीं देंगे, ये अंग्रेजों का साथ देंगे, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने इन व्यवस्थाओं के जरिए अपना एक वर्ग भारत के अंदर तैयार किया था। आने वाले समय में दोस्तों मान सकते हैं आप 1857 की जो क्रांति फेल होगी वो इन्हीं जमींदारों के, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखा वर्ग है उसके तटस्थ रहने की नीति, पढ़ा लिखा वर्ग बिल्कुल तटस्थ रहेगा, वो आंदोलन में क्रांति में भाग नहीं लेगा, मात्र छोटी छोटी जगह थोड़ी थोड़ी जगह से आंदोलन होगा, 1857 की क्रांति होगी, उन्हीं लोग वही लोग क्रांति में भाग लेंगे जिन लोगों को अंग्रेजों से परेशानी हुई थी, जिनका राज्य हड़प लिया गया था, जिनकी पेंशन रोक ली गई थी, जिन्हें अंग्रेज परेशान करते थे। बाकी लोग तो दोस्तों समझ सकते हैं आप, अंग्रेजों ने अपने जो मित्र हैं वो भारत में अनेक रूपों में दोस्तों बना लिए थे, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देंगे, ना कि भारतीय जनता का साथ। इसमें दोस्तों आप ये मत समझिए कि भारतीय लोग गद्दार थे, इसमें भारतीय लोग बिल्कुल भी गद्दार नहीं है, क्योंकि उनके पास में अभी इतनी समझ नहीं है जिससे वो भारत को एक राष्ट्र मान सके, वो सिर्फ अपने क्षेत्र को वरीयता देते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भारत हमारा राष्ट्र है, ये हमारी माँ है, ये हमारी धरती है। और अंग्रेजों ने उनका जो दिमाग है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश किया था कि वो कभी ये समझ ही नहीं पाए कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीति, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि छोटे किसानों को बटाई पर देनी शुरू कर दी। इससे वास्तविक किसानों का शोषण और भी ज़्यादा बढ़ गया। छोटी जोतें, अब देखिए जो अकाल जो आता है या जो अनाज है वो कम पैदा क्यों होता है, अभी छोटी जोतों के कारण भी होता है।
क्योंकि आप समझ सकते हैं भाई, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामू, भाई रामू के पास में 60 बीघी जमीन है, रामू के हुए 5 बेटे, 60 बीघे 12-12 बीघे के हिसाब से बट गई, 12×5=60, फिर उन बेटों के और बेटे हुए तो फिर वो दो दो तीन तीन बीघे रह गई। आप समझिए, जहां 60 बीघे का एक चक था उसके बाद में आकर दो दो तीन तीन बीघे का चक हो गया। 60 बीघे में खेती करने से बहुत अच्छा उत्पादन होता था, बहुत अच्छा पैदावार होती थी, लेकिन जब दोस्तों उनमें डोले लगी, छोटे छोटे सेक्टरों में बटे, तो उनकी जो पैदावार है वो भी दोस्तों घट गई। ये थी छोटी जोतें। देखिए, कृषि के पिछड़ेपन का एक और महत्वपूर्ण कारण था छोटी छोटी जोतें होना। जब आबादी बढ़ने लगी तो छोटी छोटी जोतें होने स्वाभाविक बात थी। देखिए, नकदी फसलें, अंग्रेजों ने नकदी फसलें पैदा करने के लिए भारतीय किसानों को प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई हुई है, अमेरिका के अंदर गृह युद्ध है, अमेरिका ब्रिटेन को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करा रहा है, जूट नहीं मिल रहा है। अब अंग्रेज तीन कटिया प्रथा, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी जरूरी थी। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण में गांधी जी जाते हैं इसी बात पर आंदोलन करने के लिए। अंग्रेज भारतीय लोगों से टैक्स अब पैसे के रूप में लेते हैं, क्योंकि अनाज एकदम बिकने वाला नहीं है और जो नकदी फसलें हैं उसे एकदम खरीद लेते हैं अंग्रेज। इसका मतलब नकदी फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो काम है वो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। अंग्रेज प्रमोट कर रहे हैं नकदी फसलों को, कैश क्रॉप्स को। अब भारतीय लोग पैसा कमाने के लिए, टैक्स देने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अनाज को छोड़कर दोस्तों नकदी फसलों पर उतर आते हैं। यही एक कारण आगे चलकर आप देख सकते हैं कि अकाल का रूप लेगा। किसानों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा और अंग्रेज यहां से धन लूटने पर लगे रहेंगे, टैक्स बढ़ाते रहेंगे, वो भारतीय की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, कौन मरे कौन जिए। 1940 में देखिए 30 लाख लोग बंगाल में मर जाते हैं अकाल आने से। 30 लाख जनसंख्या बहुत होती है, यूरोपीय देश की जनसंख्या 30 लाख नहीं है आज भी। हमारे यहाँ लोग अकाल से मर जाते हैं, वो भी अंग्रेजों की गलतियों के कारण। ये एक दिन की गलतियां नहीं थी अंग्रेजों की, बहुत लंबे समय की गलतियां थी, बहुत लंबे समय का गलतियां नहीं शोषण कहिए, शोषण बहुत लंबे समय का शोषण था। देखिए, बंगाल जो भारत का, भारत में सोने की चिड़िया थी असलियत में। बंगाल ऐसा समृद्ध प्रांत है आप समझ नहीं सकते, सबसे उपजाऊ क्षेत्र, सबसे ज्यादा कमाई वाला क्षेत्र बंगाल। 1943 में 30 लाख लोग बंगाल के मर गए अनाज की कमी के कारण, अकाल के कारण, समझ सकते हैं आप। 1857 से 1943, 1757, देखिए 1757 भाई, 1757 में बंगाल पर कब्जा करते हैं, उसके बाद में 1947 भारत आजाद होता है, तो 190 साल में बंगाल जो सोने की चिड़िया था उसे अंग्रेजों ने इतना खोखला बना दिया कि 1943 में 30 लाख लोग बंगाल में अकाल से मर गए, उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिली। ये थी दोस्तों अंग्रेजों का शोषणकारी नीति, ठीक है। देखिए, 1861 से 1865 की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में गृह युद्ध है, इसलिए वहां से इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को कपास पहुंचना बंद हो गया। और भारत में अंग्रेजों ने प्रमोट किया कि आप कैश क्रॉप्स उगाइए, एकदम बिकेगा, आपको पैसा हम देंगे, ठीक है, और आपको टैक्स अब पैसों में देना है, आपको बार्टर सिस्टम पर नहीं देना है, आपको अनाज नहीं देना है हमें। पहले अगर गेहूं होता था, चावल होता था, बाजरा होता था, तो लगान का एक हिस्सा अंग्रेजों को जाता था, लेकिन अब जो लगान लिया जाएगा वो पैसों में लिया जाएगा। अगर किसान गेहूं उगाता है, खाद्यान्न फसलें उगाता है, तो पहले इंतजार करेगा अपनी फसल को बेचने का और तब जाकर दोस्तों वो टैक्स चुकाएगा। बिकने वाली नहीं है सहज में, क्योंकि भारतीय खरीदेगा उसे, और भारतीय वैसे गरीब है, कहां से खरीदेगा, उसके पास पैसा नहीं है। अंग्रेज खाद्यान्न फसलों को खरीदने के लिए मंडी लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, भाई लाइए नील, लाइए कपास, लाइए जूट, लाइए ये चीज, लाइए ये चीज लाइए। तो क्यों भारतीय किसान खाद्यान्न उगाएगा भाई, उसे अपना जीवन जीना है, उसे भविष्य जीना है, उसे वर्तमान जीना है, भविष्य के बारे में उसे चिंता नहीं है, उसे वर्तमान में टैक्स देना है। इसलिए दोस्तों भारतीय लोग खाद्यान्न फसलों की बजाय नकदी फसलें ज़्यादा उगाएंगे, और नकदी फसलें आगे आकर भारत में बहुत सारे छोटे मोटे अकाल को बढ़ावा देंगी।
देखिए, किसानों की आर्थिक दशा। देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विविधताओं से लगातार त्रस्त रही है। ये त्रासदियां हैं जिसमें पहला कर्ज का बोझ और दूसरा अकाल। किसान कर्ज के तले दबा हुआ है। भारतीय किसान अपना टैक्स चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लेता है, कुछ पैसा कर्ज में देता है, कुछ पैसा अपनी दवाई गोली में लगाता है, कुछ पैसा अपने बेटे की शादी में लगाता है, कुछ पैसा जमीन में बीज के लिए लगाता है। तो सारा पैसा जो उसने लिया था वो सारा यूज नहीं हुआ है, फिर वो दोबारा अगले साल कर्ज लेता है। समझ लीजिए उसकी पूरी जो जिंदगी है वो उस कर्ज को चुकाने में चली जाती है, लेकिन वो कर्ज को चुका नहीं पाता है। उसकी जो संतान है वो भी महाजन के हैं, गुलामी करती हैं। ये थी दोस्तों हमारे देश में नीति। ठीक है भाई, भारत की कृषि का जो स्तर है वो अत्यंत निम्न था। भारत में अकाल की मैं बात कर लेता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ अकाल हुआ है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना अकाल का एक मेन कारण है। भारतीय जो कृषि है वो मानसून का जुआ है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। वो वर्षा जो होती है वो कभी कभी अच्छी होती है और कभी कभी दोस्तों वर्षा नहीं होती, और कभी कभी इतनी वर्षा होती है कि हमारी जो फसल है वो भी बर्बाद हो जाती है। भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इतनी ज्यादा वर्षा होती है हमारी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा इतनी बिल्कुल भी नहीं होती है, सूखे का कारण फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी वर्षा लेट हो जाती है तो फसल नहीं हो पाती है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। और उस टाइम देखिए, आज तो इतने ट्यूबवेल हैं, इतने नहरें हैं, फिर भी कभी कभी पानी नहीं मिल पाता हमारी खेती को, हम परेशान हो जाते हैं। तो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कंडीशन क्या होगी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए, फसल अच्छी होने पर भी इतना नहीं बचा पाते थे कि अकाल के दिनों के लिए कुछ सुरक्षित रख सकें। अगर फसल अच्छी भी होगी तो वो इतना नहीं बचा पाएंगे कि अकाल में जब भी परेशानी पड़ेगी, जब भी सूखा पड़ेगा, जब भी मुझे खाने की कमी होगी, मैं इस भोजन को, इस खाने को, इस अनाज को उस टाइम के लिए सुरक्षित रख लूँ। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, अगर किसान नहर से पानी भरेगा तो उसे उसका पैसा अलग देना पड़ेगा, बाकी ज़मीन में उस टाइम में या इस टाइम में कंप्लीट नहीं बचता है, आपको खुद भी लगाना पड़ता है। कुछ पैसा आप लगाएंगे तब जाकर दोस्तों प्रॉफिट मिलता है। देखिए, 1860 से 1908 तक, देखिए 1860 से 1908 तक लगभग 48 साल मानसून के उतार चढ़ाव के कारण लगातार 20 वर्षों तक अकाल जैसी कंडीशन बनी रही। एक मिनट, देखिए लगातार 20 साल तक दोस्तों अकाल पड़ेगा। 20 साल आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बादी होगी 20 साल तक। अगर 1 साल 2 साल आज भी, अगर भारत के अंदर, आज भी हमारे देश के अंदर अगर बारिश ना हो तो किसान परेशान हो जाता है। जो भूमि का, जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा। बहुत सारे जो कुएं हैं वो पानी देना बंद कर देंगे। आज भी ये कंडीशन है दोस्तों, पहले तो और ज़्यादा बुरी हालत थी। देखिए, फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहते हैं। भारत इतना बड़ा है, भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं अकाल हमेशा पड़ेगा। कोई से ना कोई सा हिस्सा दोस्तों अकाल से जूझता रहेगा। देखिए, वास्तव में यह समस्या थी कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। जो किसान है, छोटे किसान है, और जो मजदूर हैं वो समझ लीजिए पूरे दिन मेहनत करेंगे और तब जाकर उन्हें रोटी नसीब होगी। वो भी जरूरी नहीं है कि रोज मिले, कोई कोई हालत ऐसी मिल जाएगी कि उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, उन्हें शाम का जो भोजन है वो भी दोस्तों नसीब नहीं होगा। ये कंडीशन थी हमारे देश में अंग्रेजों के शासनकाल में। क्योंकि अंग्रेज सिर्फ यहाँ से पैसा लूटते हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो असलियत में दोस्तों पैसा लूटने ही तो आए थे, और जो उनका विरोध करता उसका मुंह बंद करने के लिए, बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरीके से चाहे मुंह बंद करना पड़े, चाहे उसे फांसी पर चढ़ाना पड़े, चाहे उसे गोली मारनी पड़े, चाहे उसे डराना पड़े, चाहे धमकाना पड़े। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीतियाँ। देखिए, वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए फसल नहीं होती। देखिए, अगर वर्षा नहीं है, कम अवधि के लिए फसल नहीं होती, तो उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता था। प्रत्येक अकाल के बाद कुपोषण और महामारियों का प्रकोप होता गया। 30 लाख जनसंख्या मरी थी बंगाल में 1943 में अकाल से। 30 लाख जनसंख्या यूरोपीय देशों की है, वो कंडीशन एक दिन में पैदा नहीं हुई थी, उस कंडीशन के लिए काफी लंबे समय का शोषण जिम्मेदार था। देखिए, जिसके कारण लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। 20वीं सदी में कम अकाल पड़े, 20वीं जो सदी है वो कम अकाल पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग थोड़ा जागृत हो जाएगा, और वो अकाल का जो रास्ता है उससे बचने का रास्ता है वो भी दोस्तों
खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, अकाल पड़े वे अत्यधिक भयंकर भी नहीं थे, जो छोटे मोटे अकाल पड़े हैं वो ज़्यादा भयंकर नहीं थे, लेकिन फिर भी 20वीं सदी में 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है जिसमें देखिए लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 20वीं सदी के अंदर 1943 में, आज़ादी से मात्र 4 साल पहले 30 लाख लोग बंगाल में अकाल से मारे जाते हैं। देखिए आप, देखिए इसका मुख्य कारण सिंचाई, परिवहन और राहत कार्यों में। देखिए इसका जो मेन कारण है, बाद में 20वीं सदी में अकाल कम पड़े हैं क्योंकि जो सिंचाई है वो सुधरी है, परिवहन व्यवस्था, रेलवे का विकास हो गया है, बाकी और भी परिवहन व्यवस्था है, राहत कार्यों में जो है सुधार थोड़ा बहुत आया है दोस्तों। देखिए रेलवे लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए रेलवे, भारत में रेलवे लाइन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो रेलवे का जो विकास था वो अंग्रेजों ने क्यों किया? अपने शासन को मजबूत करने के लिए। उस टाइम दोस्तों अंग्रेज रेलवे से बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि महंगी चीज़ है, वो बिजनेस अब भी जहाज से ही करेंगे, पानी के जहाज से करेंगे क्योंकि पानी का जहाज सस्ता है, रेलवे बहुत महंगा है, बांस से चलती है, ऊपर से हर जगह पटरी बिछाना आसान काम नहीं है, उसमें पैसा खर्च होता है। ब्रिटेन के लोग अपने देश के लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आइए भारत में पैसा लगाइए, हम आपको इतना लाभांश देंगे, इतना रेट देंगे आपको। ब्रिटेन के अमीर लोग भारत में पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें पता था भारत से पैसा मिलेगा, भारत से जैसे आज हम पैसा लगाते हैं इनकम टैक्स में, एनपीएस में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अलग अलग देशों का पैसा शेयर बाजार खरीदते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन के लोगों ने भारत में पैसा लगाया रेलवे में। किस मकसद से? क्योंकि उन्हें पता था कि हम इतना जो रिटर्न है वो आपको देंगे। ठीक है, असलियत में जो रेलवे का विकास हुआ था वो भारतीयों के विकास के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन रेलवे को लागू करने के बाद, रेलवे को चलाने के बाद आज भी बहुत लंबे समय तक दोस्तों इंग्लैंड रेल के इंजनों को ब्रिटेन से मंगाता है, भारत में नहीं बनाता है। अगर भारत में ब्रिटेन इंजन बनाने लगता तो भारतीयों का विकास होता, भारतीय उस चीज को जानते, लेकिन वो पानी के जहाज़ों पर इंजन मंगाता है। क्यों मंगाता है? क्योंकि उसे भारत का विकास नहीं करना है, उसे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से माल रेलगाड़ी में भरकर बंदरगाह तक ले जाना है, क्योंकि पहले परेशानी पड़ती थी, रेल एक ऐसा साधन है जिससे माल जल्दी पहुंचाया जा सकता है बंदरगाह पर। इसलिए अंग्रेजों ने शुरू में सारी की सारी रेलवे को बंदरगाहों से जोड़ने का काम किया, जिससे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सारा का सारा पैसा निकाला जा सके और ब्रिटेन में टेम्स नदी के किनारे दोस्तों पहुंचाया जा सके। ये था ब्रिटेन की सोची समझी पहले से ही प्री प्लान, जिसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का विकास किया। भाई अंग्रेजों ने भारत का उतना ही विकास किया जितना कोई जमींदार किसी को नौकर बनाकर उससे काम करवाकर रोटी खिलाने का काम करता है, इतना विकास किया था। और वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उसकी मंसूबों को, उसकी चालों को, उसके मन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसके पास में इतनी बुद्धि नहीं है। अभी भारतीयों के पास में जिस दिन बुद्धि आएगी ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, और वो दिन दोस्तों आ ही जाता है 1947 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। लेकिन कितने लोगों ने इस दिन को पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, कितने लोग शहीद हुए, कितनी माओं ने अपने बेटे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितने बाप ने अपने बेटे खोए, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खोए, इसकी कल्पना दोस्तों आप कर भी नहीं सकते। एक बार जब सोचते हैं हम लोग तो कि अंग्रेजों ने इतने अत्याचार हम लोगों पर क्यों किए, ये सिर्फ आप पर ही नहीं किए थे दोस्तों, अंग्रेज जहाँ भी जाते थे वो अत्याचार करते थे। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया था ब्रिटेन के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों को मार दिया, कत्लेआम कर दिया। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीति, पहले से ही अंग्रेज क्रूर थे, उनका जो प्लान था वो पहले से था ये चीज। देखिए भाई भारत में रेलवे का जो विकास है वो किसे हुआ? भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रथम प्रयास मद्रास में 1931 में शुरू में आया था, और ये जो रेल इसमें रेलवे के जो डिब्बे हैं उन्हें घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। देखिए मद्रास 3 प्रेसिडेंसी है, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी है। तो पहली प्रेसिडेंसी मद्रास के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव 1931 में आता है
ठीक है भाई, ये 1931 नहीं होगा भाई, 1931 नहीं होगा, ये 1831 होगा, एक मिनट देख लेते हैं। ये 1831 होगा, अठारह सौ इकतीस है ये, 1931 नहीं है दोस्तों, 1831 है। ठीक है भाई, शुरू में जो मद्रास में रेलवे का जो प्रस्ताव था वो 1831 में आता है। कब आया था भाई? 1831 में। 1834 में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बाह्य संचालित रेलवे स्थापित करने का प्रयास किया, निर्णय लिया। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय लेता है कि हम बाष्प चालित स्टीम से रेलवे चलाएंगे। किससे चलाएंगे भाई? स्टीम से रेलवे चलाने का काम करेंगे। 1831 में मद्रास में रेलवे लाइन का प्रस्ताव आया, जिसमें रेलवे को, रेलवे के डिब्बे को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। घोड़े समझ सकते हैं आप किस तरीके से सफल होते, बहुत परेशानी पड़ती, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती और दोस्तों अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय लेता है 1834 में कि रेलवे बाष्प स्टीम से चलाई जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ें पहले से ही बन चुकी थी। जेम्स वाट बाष्प इंजन बना चुके थे तब तक, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, वहाँ पर नई नई मशीनें बन चुकी थी दोस्तों। ब्रिटेन के अंदर पहले से रेलवे है, उस रेलवे को भारत के अंदर लाया जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी थी आवागमन की कि किस तरीके से हम रेलवे के डिब्बे को जहाजों में भर के ले जाएंगे, किस तरीके से हम डिब्बे को जहाजों में भर के ले जाएंगे, क्योंकि भारतीय लोग अभी इतने कुशल नहीं है कि हम वहां पर बना लेंगे, और अगर बनाते नहीं है तो भी हमें कच्चा माल तो यहां से ले जाना पड़ेगा या फिर इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा। तो शुरू में काफी लंबे समय तक दोस्तों रेलवे के इंजनों को ब्रिटेन से जहाजों में भरकर लाया जाता है। इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं बनाई जाती हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ब्रिटेन भारत में रेलवे का विकास सिर्फ शोषण के लिए करता है, वो विकास भारतीयों के उन्नति उद्धार के लिए नहीं था। देखिए भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति, देखिए रेलवे लाइन एक है, रेलवे, रेलवे लाइन लाने वाले जो अग्रणी व्यक्ति हैं वो है रोलेड मैकडोनाल्ड स्टीपेंसन। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति हैं रोलेड मैकडोनाल्ड स्टीपेंसन। रेलवे लाइन लाने वाले व्यक्ति हैं रोलेड मैकडोनाल्ड स्टीपेंसन, आपको ध्यान रखना है। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक इन्होंने वायसराय रहे हैं ये लॉर्ड डलहौजी, और जो रेलवे लाइन लाए हैं वो है रोलेड मैकडोनाल्ड। देखिए रोलेंड मैकडोनाल्ड ये रेलवे लाइन लाने का काम किया उन्होंने, रोलेंड मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड के नाम से आपने नाम सुना होगा, मैकडोनाल्ड ये रेलवे लाइन लाई है, रेलवे लाइन लाई है जिस पर दोस्तों ट्रेन चलती है, ये है रेलवे लाइन। ठीक है भाई, इस पर ट्रेन चलती है, और ये जो लाने का काम किया है वो किसने किया अभी दोस्तों, ये क्या है भाई, ये क्या है दोस्तों, रोलेंड मैकडोनाल्ड ने। और भारत में जो रेलवे है वो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक वायसराय रहे हैं, इनके शासनकाल में दोस्तों रेलवे का निर्माण हुआ है। पहली बार रेलवे 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ की गई, ठीक है, अगले साल कलकत्ता में, देखिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी रेलवे आएगी। कलकत्ता से बंगाल को पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। देखिए पश्चिम बंगाल को पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाना है, जो कोयले की खाने हैं, लोहे की खाने हैं, उनसे रेलवे को जोड़ा जाएगा बंदरगाह तक, जिससे माल को आसानी से और कम समय में सुविधापूर्वक दोस्तों लिया जा सके। 1856 ईस्वी में मद्रास को, देखिए 1856 ईस्वी में मद्रास को आरकोनम के साथ जोड़ा गया। देखिए भारत में रेलवे का जो विकास है वो कब हुआ है, भारत में रेलवे के विकास की अगर मैं बात करता हूँ तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के द्वारा रेलवे का विकास किया गया है। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति हैं रोलेंड मैकडोनाल्ड स्टीपेंसन, जो कि रेलवे लाइन को लाने का काम दोस्तों भारत में करते हैं। भारत की प्रथम रेलवे 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई। 1854 में अगले साल को कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। देखिए कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। तीसरी प्रेसिडेंसी के अंदर भी रेलवे लाइन बिछ चुकी है, मुंबई के अंदर तो दोस्तों रेलवे लाइन बिछ चुकी थी 1853 में, अगली बार बंगाल के अंदर रेलवे लाइन बिछेगी।
और उस रेलवे लाइन को बंदरगाह से जोड़ने का काम दोस्तों, बंदरगाह और जो खाने होती हैं उनसे जोड़ने का काम दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किया जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल, अगर मैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की बात करूं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1899 ईस्वी से 1905 में, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ और रेलवे का सर्वाधिक विकास भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। और लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजित करने का काम करता है, ये कहकर कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है, उस पर हम शासन अच्छी तरीके से चलाने में समर्थ नहीं है, इसलिए बंगाल को दो भागों में तोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों कारण कुछ और था, कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बढ़ता हुआ उग्रवादी लोगों का प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी लोगों का बढ़ता हुआ प्रभाव और बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन, बंगाल के लोगों को अलग करने के लिए, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए, हिंदी भाषी और बंगला भाषी को आपस में लड़ाने के लिए बंगाल का विभाजन किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के राखी बांधते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और अंग्रेजों से लड़ेंगे। देखिए क्या करता है कर्जन, अपनी चाल में थोड़ा सा सफल हो जाता है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर, कांग्रेस जिस पर शुरू में नरम दल का प्रभाव था, उसके बाद में गरम दल उग्रवादी दल का प्रभाव बढ़ने लगता है, लेकिन 1907 में अपने अध्यक्ष के ऊपर नरम दल वाले रासबिहारी बोस को, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आपस में दोनों में टकराव हो जाता है और 1907 में रासबिहारी बोस अध्यक्ष बन जाते हैं और जो उग्रवादी लोग हैं, जो गरम दल वाले नेता हैं, उन सभी का अंग्रेजों द्वारा दोस्तों दमन किया जाता है, उन पर लठ फिरवाया जाता है, उन्हें जेल में बंद किया जाता है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दोस्तों दी जाती हैं। ये दोस्तों अंग्रेजों के काम थे। तो आप समझ सकते हैं लॉर्ड कर्जन किस टाइप का व्यक्ति था। लेकिन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक मात्रा में रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे का क्षेत्रफल भी बढ़ा। देखिए 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में दो भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया जिनके नाम थे गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्राम शामिल। देखिए 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। रेल आयोग बनता है 1902 में और इसमें दो भारतीय लोगों को शामिल किया जाता है, उनके नाम आपको ध्यान रखने, सैयद बिलग्रामी और गुरुदास मुखर्जी, ये लोग शामिल होते हैं। 1908 ईस्वी में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया। स्वायत्त शासी दर्जा दिया गया, ऑटोनोमियस बॉडी रेलवे को। देखिए 1924 में एक बार समिति के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। 1924 में रेल बजट हो जाता है सामान्य बजट से अलग 1924 में। उसके बाद में दोस्तों देखिए वर्ष 2016 और 17 की मैं बात करता हूं तो 2016-17 में रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ पारित करना प्रारंभ किया गया। 2016-17 अब तक रेल बजट अलग पेश होता था, लेकिन 2016-17 मोदी सरकार ने रेल बजट को सामान्य बजट के साथ जोड़ दिया। देखिए 2016-17 मोदी सरकार ने रेल बजट को सामान्य बजट के साथ पारित करना प्रारंभ कर दिया, जबकि अगर मैं बात करता हूं तो 1924 से रेल बजट सामान्य बजट से दोस्तों अलग था, रेलवे का जो बजट है वो अलग पेश होता था और जो भारत का बजट है दोस्तों वो अलग पेश होता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने क्या करा, अभी दोनों बजटों को एक साथ मिला दिया है। देखिए रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना था, जो देश के आर्थिक हितों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वहाँ से उन्हीं के जरिए थे दोस्तों भारत का जो सामान है, कच्चा माल है, वो लेना था। आप जान सकते हैं रेलवे से अगर बिजनेस किया जाएगा, रेलवे से बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, और रेलवे सस्ता नहीं है, महंगा है, जहाज सस्ता है। आगे देख लेते हैं भाई, देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिससे कि देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधा होती। ठीक है भाई, देखिए देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया जिससे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भागों में पहुंचाने में सुविधा होती। रेलवे ने मालवाहक के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट होती है। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे ने माल पहुंचाने में अधिक परिवहन लागत लगती थी। अगर मैं भारत की बात करूं तो एक स्थान से दूसरे स्थान, देखिए रेलवे से अगर माल पहुंचाना है एक स्थान से दूसरे स्थान
तो ज्यादा परिवहन लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अगर बंदरगाहों से माल पहुंचाने पर लग जाए तो देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम परिवहन लगती है। अगर हम बंदरगाहों से ही पहुंचाएं देश के दूसरे भागों में तो भी कम पैसा लगेगा, रेलवे से पहुंचाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा और ज्यादा जाएगा भी नहीं। ठीक है, भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और मुख्य उद्देश्य था, भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाना, जैसे जो उस टाइम था, क्योंकि अगर कहीं भी विद्रोह होता तो सेना को आसानी से रेलवे के अंदर बैठाकर पहुंचाया जा सकता था। पहले समझ सकते हैं आप, घोड़ों से जाती थी, पैदल जाती थी, पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 1 महीने 2 महीने, इतना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। लेकिन आज रेलवे है अंग्रेजों के पास, अगर कहीं भी विद्रोह की कंडीशन उत्पन्न होती है तो एक रात के अंदर सेना कहीं भी पहुंच सकती है। ये थी दोस्तों कंडीशन। देखिए, लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी हो गया। अब जो आवागमन है, ट्रांसपोर्ट है, वो ज़्यादा तेज हो गया है, तीव्रगामी हो गया है, सस्ता हो गया और सुरक्षित हो गया। देश के भीतर भागों में उत्पादित वस्तुएं बाहरी बाजारों में पहुंचने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के संकट को दूर करना संभव हुआ। और वैसे भी जो अकाल खत्म हुए 20वीं शताब्दी में दोस्तों, उसमें रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान था। वो इसलिए, अगर समझ लीजिए पश्चिमी क्षेत्र में अकाल है, वहाँ बारिश नहीं हुई है, तो देश के किसी भी हिस्से से अनाज ट्रेन में भरकर वहाँ पहुँचाया जा सकता है और लोगों को राहत कार्य मिल सकता है। लेकिन पहले दोस्तों ऐसा नहीं था। रेलवे से बहुत ज़्यादा आवागमन भी प्रभावित हुआ है। जो अकाल की जो कंडीशन थी 20वीं शताब्दी में कम होने का जो कारण था दोस्तों, वो मेन कारण था। लेकिन बंगाल के अंदर जो कारण था वो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, अंग्रेजों की नीतियाँ उसके लिए जिम्मेदार थी। क्योंकि जब दोस्तों देश में अनाज होगा ही नहीं तो कहाँ से पहुँचाया जाएगा। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियाँ ला दी थी कि किसान सिर्फ अपने अपने लिए अनाज पैदा कर ले या फिर उसे खुद रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, दूसरों के लिए तो कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए भाई, रेलवे ने उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचना संभव हुआ। देखिए, उद्योग के विकास में रेलवे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोई फैक्ट्री लगानी है, किसी प्रकार का उद्योग करना है, इंडस्ट्री लगानी है, तो रेलवे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि जहां कारखाने आपको लगाने हैं वहां पर आपको कोयला चाहिए और कच्चा माल चाहिए, और ये रेलवे में आसानी से पहुंच सकता है। देखिए, रेलवे आसानी से कच्चे माल की आपूर्ति करा सकता है, कोयले की आपूर्ति करा सकता है। ठीक है भाई, रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों का लगभग संतुलित करने में योगदान दिया। पहले जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था वहां उनकी भरमार होती थी। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, कश्मीर के अंदर होता है ड्राई फ्रूट, कश्मीर के अंदर होता है ड्राई फ्रूट, कश्मीर के अंदर होता है सेब, तमिलनाडु के अंदर होता है नारियल। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक विशेष क्षेत्र में होती हैं, अगर वो चीज़ें उसी क्षेत्र में बेची जाएं तो सस्ती मिलती हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। लेकिन अगर वही वस्तु 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बेची जाएं तो जो ट्रांसपोर्ट था पहले वो क्या था भाई, घोड़ा, पैदल। आप समझ सकते हैं आप कितनी महंगी होगी वो, सोने के भाव बिकेगी। लेकिन अब रेलवे होने से मात्र थोड़ा वो टैक्स उस पर लगेगा, आवागमन टैक्स लगेगा, जो कीमत है वो उनमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए, अगर काजू अखरोट कश्मीर के अंदर 200 रुपये किलो बिकता है तो अपने यहाँ 300 बिकेगा, 250 बिकेगा, 350 बिकेगा, ऐसा नहीं है 1000 को बिकेगा। दोस्तों ये काम रेलवे ने किया। देखिए भाई, रेल मार्गों के निर्माण से समाज में एक वर्ग का उदय भी हुआ। देखिए, रेल मार्ग का अगर निर्माण हुआ तो समाज में एक वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं खल्लासी वर्ग। जब रेल का निर्माण हुआ तो पटरियां बिछाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी, और जो मजदूर हैं वो ज्यादा कुशल नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है। गांव गांव से जिस जिस क्षेत्र में दोस्तों रेलवे गुजरती थी वहां के लोगों को इकट्ठा कराकर रोजगार दिया गया, एक सरकारी नौकरी दी गई, रेलवे के अंदर नौकरी दी गई, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं दोस्तों खल्लासी की पोस्ट, ट्रेक मैन की पोस्ट, अगर आज मैं वर्तमान की बात करूं। और देखिए, उस पोस्ट का ये फायदा था दोस्तों, सरकारी नौकरी है, और गांव में उस टाइम और कोई साधन नहीं था, सिर्फ क्या था, खेती थी। खेती के अंदर बहुत सारे लोग लगे हुए थे, वहां भी बेरोजगारी थी और खेती में कुछ ज्यादा मिलता नहीं था। इससे लोगों का जो ध्यान है वो खेती से हटकर नौकरी की तरफ या दूसरे व्यवसाय में भी दोस्तों जाने लगा, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिला भारतीय लोगों को। देखिए, अकुशल श्रमिक हैं जिनको रेल मार्गों के निर्माण और उनके रख रखाव का काम भी दोस्तों दिया गया। रेलवे की स्थापना के साथ साथ भारत में आधुनिक उद्योगों, लोहे इस्पात उद्योगों और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। देखिए, अगर रेलवे की स्थापना हुई है तो भारत में क्या क्या होने चाहिए। देखिए,
देखिए, अगर भारत में रेलवे की स्थापना अंग्रेजों ने करी है तो भारत में उन्हें आधुनिक उद्योग, जो करंट में उद्योग थे उनकी स्थापना, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, रेल इंजन बनाने वाले जो कारखाने हैं भारत में शुरू हो जाने चाहिए थे अगर वास्तव में अंग्रेज भारत का उद्धार चाहते थे, भारत को लाभ देना चाहते थे, तो ये प्रोडक्शन पैदा करने वाली फैक्ट्रियां भारत के अंदर लगनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी, क्योंकि अंग्रेजों का जो मेन कारण था वो सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना था, यहां से पैसा निकालना था। आज के टाइम में भी दोस्तों अंग्रेज, उस टाइम भी दोस्तों अंग्रेज रेल के डिब्बों को, इंजन को ब्रिटेन में जहाज में धर कर मंगाते हैं, जिससे भारतीय लोग अपने आप को विकसित ना करें। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की चाल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे की स्थापना का जो उद्देश्य था वो भारत का औद्योगिक विकास करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि भारत का सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण ही करना था, ठीक है भाई। आगे देखिए, भारतीय धन का बहिर्गमन। भारतीय धन का बहिर्गमन मतलब भारत से पैसा लूटा जा रहा है और ये विदेश पहुंचाया जा रहा है। जोन सुलीमान क्या कहता है इसके बारे में? जोन सुलीमान कहता है, अभी हमारी जो नीति है वो एक स्पंज की तरह है, जो गंगा के तट से, जो भारतीय तट से पैसे को सोख लेती है और उस पैसे की बरसात टेम्स नदी के किनारे जाकर कर देती है। मतलब हम भारत को खोखला कर रहे हैं, सीधी सी बात। यहां जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो यहां से काम करके जाते हैं, लेकिन पेंशन भारत भारत से लेते हैं। देखिए क्या ठाट बाट थे, किस तरीके से दोस्तों भारत को लूटा जा रहा था। 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटेन से पैसा आना बंद हो गया था, सॉरी बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद में, प्लासी के युद्ध के बाद में और बक्सर के युद्ध के बाद में ब्रिटेन से पैसा आना बंद हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि ये दो युद्ध जीतने के बाद में कंपनी भारत की और बंगाल की राजनीति में, भूराजस्व व्यवस्था में एंट्री मार चुकी थी। वो यहीं से पैसा कमाती है और इसी पैसे से बिजनेस करके अपने देश में सामान बेचती है, जब से दोस्तों ये प्रोसेस थी। और अगर युद्ध होता भी है तो अंग्रेजों के पास में बहुत अच्छी सेना है, वो भारतीय शासक को हराती है और युद्ध का पूरा हर्जाना 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इस तरीके से पैसे लेकर अपने हर्जाने को पूरा कर देती है और दूसरे व्यक्ति की कमर तोड़ देती है। वो कभी जिंदगी में युद्ध करने के बारे में सोचेगा नहीं। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे और अपने बेटे को गिरवी रखना पड़ा था, जब तक उसने पूरा का पूरा पैसा न चुका दिया, अपना आधा राज्य तक देना पड़ा था। अंग्रेजों ने जितने के जितने क्षेत्र लड़े, जब तक भारत में राजा रहे, जब तक भारत में एक भी छोटा सा राजा रहा, उसे खा गए, उसे लूट लिया, उसका सारा पैसा लूट लिया। और जब राजा खत्म, तो ये शोषण होता है किसानों से, किसानों से, किसानों से, किसानों के पास में जितनी पूंजी है, भारत के व्यक्ति ने जितनी पूंजी अपने घर के अंदर लगा रखी है, जितनी छिपा रखी है, उस सारी पूंजी को हमें दो। भारत का जो शोषण हुआ है दोस्तों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टेज पार करी, उसके बाद दूसरी स्टेज, उसके बाद तीसरी स्टेज, उसके बाद चौथी स्टेज, उसके बाद में दोस्तों लास्ट स्टेज। ये थी अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीतियां भारतीयों के लिए, ठीक है। देखिए भाई, देखिए भारतीय धन का बहिर्गमन क्या है अभी। भारत से जो पैसा है वो ब्रिटेन जा रहा है, रेल मार्गों के निर्माण और आधुनिक जहाजों के निर्माण से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। भारत का जो विदेश व्यापार है वो रेल के निर्माण से है। देखिए, रेल के निर्माण से और आधुनिक जहाज के निर्माण से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि होने का काम होता है। स्वेज नहर खुल गई। देखिए, स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। इससे भारत ब्रिटेन के बीच वस्तुओं का आयात जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब देखिए पहले जो अफ्रीका का तट है वहां से आना पड़ता था इस तरीके से, अब स्वेज नहर ये खुल गई है, अब तो और आसान है दोस्तों भारत आना, इनके लिए बहुत भारत आना बहुत ज़्यादा आसान है। अब जो आयात निर्यात है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। 19वीं सदी के अंत तक भारत से कपास, देखिए 19वीं सदी के अंत तक भारत से कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूं, बीज और चमड़े जैसी वस्तुएं निर्यात होने लगी। 19वीं सदी के अंत तक भारत से क्या क्या निर्यात होता है भाई? कपास होता है निर्यात, देखिए कपास निर्यात होता है, जूट निर्यात होता है। 19वीं सदी के अंत तक भारत से कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूं, बीज और चमड़े जैसी वस्तुएं निर्यात होने लगी। मतलब यहां से वस्तुएं जाने लगी,
क्योंकि ब्रिटेन के अंदर दोस्तों ये चीजें नहीं होती हैं। ब्रिटेन ठंडा देश है, वहां पर वो मांस खाते हैं, तभी तो वो लोग यहाँ आए थे उस मांस को सुरक्षित रखने के लिए। मांस सुरक्षित रखा जाता है मसालों से, और वो उन मसालों के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वहां पर नहीं होता है खाद्यान्न, ठंडा प्रदेश है दोस्तों, ठीक है भाई। वहां की जो जमीन है वो ढकी रहती है बर्फ से उस टाइम पर। देखिए, बाहर जाने वाली वस्तुओं में जूट से बनी वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण थी। जो बाहर यहाँ से जाती थी उनमें जूट से जो बनी हुई वस्तुएं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है निर्यात, ठीक है भाई। भारत में प्रमुख रूप से मशूने धात्विक वस्तुएं, भारत में जो आने वाली वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, मशीनें हैं, धात्विक वस्तुएं हैं, कपड़े हैं और अन्य उत्पादित वस्तुएं आयात की जाती थी। देखिए कपड़े, और देखिए कपड़े, पहली बात तो कपड़ा, भारत का जो कपड़ा था वो सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन भारतीय उद्योग को नष्ट करने का काम अंग्रेजों ने किया। टैक्स लगाते थे, जो भारतीय बुनकर हैं उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, इस तरीके से उनका शोषण किया, भारत के व्यापार को ठप कर दिया। यहां से कच्चा माल ले गए, बने बनाए कपड़े लाए, उन्हें बेचा। भारतीय वस्त्र जिनकी पूरे विश्व में डिमांड थी, अगर भारत से बाहर जाते थे, भारत का कोई बिजनेसमैन व्यक्ति जिसके पास में थोड़ा बहुत पैसा था, जो बिजनेस कर सकता था, उस पर इतना टैक्स लगा दिया गया कि वो अगर विदेश में जाकर या इंडिया के अंदर ही अपना सामान बेचता तो उसका सामान ब्रिटिश सामान के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। तो भारतीय गरीब व्यक्ति क्यों भारतीय सामान को खरीदेगा? वो तो ब्रिटेन का सामान खरीदेगा, सस्ता सामान खरीदेगा। जैसे चाइनीज वस्तु 5 रुपये में मिल जाती है, लेकिन अगर ब्रांडेड चीज़ की बात करी जाए तो वो 100 रुपये में मिलती है। उसी प्रकार से, उसी एग्जाम्पल को दोस्तों आप वहां फिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये चीज। आप देखिए, चाइनीज वस्तुओं पर बैन लगा सकती है भारत सरकार, क्योंकि हमारा देश आजाद है। हम मार्केट में अपनी कंडीशन बनाए रखने के लिए दूसरे देश की वस्तुओं पर बैन लगा सकते हैं, लेकिन उस टाइम दोस्तों बैन जो लगाया था वो भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया था। टैक्स लगाया गया था कि आप टैक्स देंगे इसलिए आपकी जो वस्तु है और ज्यादा महंगी हो जाएगी, और हमारी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं है, हमारी वस्तु सस्ती है। तो इस तरीके से दोस्तों भारतीय उद्योग, भारतीय शिल्पकार, भारतीय दस्तकार, सभी लोगों का जो दमन है वो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था। देखिए, ब्रिटिश शासन के परे दौर में भारत का जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश शासन के दौर में, देखिए भारत से जो सामान है वो इंग्लैंड पहुंचता रहा, ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाले लाभ इंग्लैंड भेजा जाता रहा। अब यहाँ से जो भी बिजनेस होगा, जो भी लाभ होगा, वो भारत से इंग्लैंड जाता रहेगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी गृह प्रवेश या स्वदेश शुल्क, होम चार्ज के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था। अब भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, जो भी यहाँ से लगान लिया जाता था, देखिए जो भी यहाँ से लगान लिया जाता था दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ब्रिटेन को पहुंचता था। ब्रिटेन को पहुंचता था बहुत बड़ा हिस्सा, वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनियां थी। यहाँ के जो धन्ना से वहाँ के जो धन्ना सेठ थे, जो प्राइवेट लोग थे, वो इतना मालदार हो गए थे, इतना भ्रष्टाचार किया था उन्होंने, तभी जाकर दोस्तों 1858 के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया जाएगा और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। इतना मालदार हो गए थे दोस्तों, जब वो अपने देश में जाते थे तो उन्हें नवाब कहते थे ब्रिटेन के लोग। इतना पैसा उन्होंने कमा लिया था, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है दोस्तों। देखिए भाई, इंग्लैंड पहुंचता था भारत में शासन करने के लिए, ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया खर्च, भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा, देखिए भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया खर्च, भारत सचिव के कार्यकाल का खर्च, भारत सचिव के कार्यकाल का खर्च भारत के राजस्व से दिया किया जाता था। जो भारत का राज्य सचिव है उसे भी दोस्तों भारत से पैसा जाता था। इंग्लैंड में जो लोग बैठे रहते थे उन्हें भी सैलरी भारत के खजाने से जाती थी। देखिए, भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का हिस्सा इंग्लैंड भेजते रहे और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन भारत के राजस्व से व्यय की जाती थी। अगर कोई रिटायर हो जाता है, पेंशन लेने की बारी आती है, तो वो भारत के पैसे से पेंशन लेता है। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीतियाँ। आगे चलते हैं अभी। एक अनुमान के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का एक तिहाई भाग इंग्लैंड भेज दिया जाता था। देखिए, एक तिहाई भाग जो भी यहाँ से टैक्स लिया गया है, जो भी लगान लिया गया है, अगर 3 हिस्से लगान लिया गया तो एक हिस्से दोस्तों कहाँ जाएगा भाई? एक हिस्से ब्रिटेन जाएगा, बाकी जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो रखेंगे अपने पास।
जो कुछ लोग दलाल हैं उनमें, जो कुछ लोग चंदा चोर हैं, वो भी दोस्तों अपना मुनाफा कमाएंगे। इस तरीके से दोस्तों भारत में जो लगान का पैसा है उसका बंटवारा बंदरबांट होता था। अब आगे चलते हैं भाई, धन निष्कासन का सिद्धांत। देखिए धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में किया है। देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया है। धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। उन्होंने इस मान्यता को भारतीय पूंजी, देखिए भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में और कौन कौन लोग हैं, देखिए दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, ठीक है भाई, कौन सी पुस्तक है इनकी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है कि भारत से जो पैसा है वो अंग्रेज लूट कर अपने देश में ले जा रहे हैं। ठीक है भाई, और कौन कौन से लोग हैं, देखिए रमेश दत्त, रमेश चंद दत्त, भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद दत्त का एक प्रमुख नाम है। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में इसकी चर्चा की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन निष्कासन की चर्चा की है। 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में इन्होंने कहा था, भारत से हो रही धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिलता है। 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में इन्होंने कहा था, भारत से हो रही धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। देखिए 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें दो दो भाई नौरोजी को धन निष्कासन के सिद्धांत को एक्सेप्ट करने का काम किया जाता है। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी है। देखिए मद्रास के बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन कहता है, जॉन सुलिवन कहता है कि हमारी व्यवस्था कुछ स्पंज की तरह है, काम करती है, जिसके द्वारा गंगा तट से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और वो टेम्स नदी जो है ब्रिटेन में वहां पर जाकर उसे निचोड़ देती है, और इस तरीके से हम भारत के सारे पैसों को दोस्तों गबन करने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत ने, भारत का जो शोषण है, भारतीय लोगों का जो शोषण है, भारतीय किसान का जो शोषण है, भारतीय मजदूर का जो शोषण है, वो किस प्रकार दोस्तों किया गया था। एक चक्र था, जब तक भारत में राजा रहे उन राजाओं को हराया, युद्ध के हर जाने के रूप में सारा का सारा पैसा ब्याज सहित लिया। जब राजा समाप्त हो गए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वो समाप्त हो जाए, उनके बाद में, उन्हें जीतने के बाद में दोस्तों भारतीय किसानों का शोषण किया जाने लगा। ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीतियाँ, भारत से सारा का सारा पैसा निकाल कर इंग्लैंड पहुंचाया जाने लगा। देखिए दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।